पाठ सात, विश्व में भारत। हमारी पृथ्वी सात महाद्वीपों और पांच महासागरों में विभाजित है। महाद्वीपों पर विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों वाले अनेक देश हैं। पता कीजिए विश्व में कुल कितने देश हैं। आइए विश्व के मानचित्र व ग्लोब पर अपने देश भारत को देखें। ये ग्लोब है, विश्व में भारत। यहाँ अंटार्कटिका है, ये भारत है, ये यहाँ पर इस जगह, इसके ऊपर एशिया है, इधर बगल में यूरोप है, फिर इधर अफ्रीका है, नीचे हिंद महासागर, इसके इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया है, और इधर प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और ये प्रशांत महासागर है। मानचित्र पर पीले रंग से अपना देश भारत दिखाई दे रहा है। अब इधर से पढ़ते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। कर्क रेखा 23-30 उत्तरी अक्षांश, देश के लगभग 20 से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.04 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37.06 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। इस प्रकार दक्षिण से उत्तर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29.02 मिनट है। क्या आप जानते हैं भारत देश का दक्षिण से उत्तर की ओर वास्तविक विस्तार 6.45 मिनट है। 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा पॉइंट से है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। पश्चिम से पूरब की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68.07 मिनट पूर्वी देशांतर से 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। इस प्रकार पश्चिम से पूरब भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29.18 मिनट है। भारत पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है, तथा उत्तर में जम्मू एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर लंबा है। भारत का कुल क्षेत्र पर अब ये देखिए कितना है, 3287263, तो कितना हुआ, आपको ये पढ़ना आता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सोचिए दक्षिण से उत्तर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29.02 मिनट और दूरी 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व भारत का विस्तार 29.18 मिनट और दूरी 2933 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व भारत का अधिक विस्तार होने पर भी दूरी कम है, ऐसा क्यों, ये देख लीजिए। भारत का मानक याम्योत्तर, भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, 18.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5:30 आगे है। अधिक देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होगा। एक ही देश में अलग अलग समय होने की समस्या को दूर करने के लिए 82.30 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक मान लिया गया है, जो ग्रीनविच मानक समय से 5:30 आगे है। भारत के मानक समय का देशांतर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर के पास से गुजरता है। सोचिए अपने देश के लिए यदि मानक समय का निर्धारण न किया गया होता तो क्या स्थितियाँ होती। मानचित्र पर भारत देश और उसके आसपास देखिए। भारत देश के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तीन तरफ पानी से घिरा होने के कारण भारत प्रायद्वीपीय देश कहलाता है। भारत के दो द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब ये हैं भारत के पड़ोसी देश, ये देखिए आप। तो नीचे से शुरू करते, सबसे पहले इधर क्या है, श्रीलंका, ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं, ऊपर चलते हैं, ये तो इधर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, इनसे मतलब नहीं है। भारत की लक्षद्वीप है, द्वीप है भारत का ही, और इधर अंडमान और निकोबार भारत का द्वीप है, उसके बाद ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं, भारत के बगल में क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है, इसके बाद इधर भूटान है,
बट बांग्लादेश के बगल में म्यांमार आता है, भारत के बगल में नहीं, भारत के बगल में बांग्लादेश है, इधर ये ऊपर की तरफ भूटान है, मेन इधर नेपाल है, और इधर क्या है ये चीन वाला पार्ट है, ठीक है ये चीन है, और इस तरफ आते हैं इस तरफ पाकिस्तान है, और इधर ऊपर की तरफ इधर क्या है ये अफगानिस्तान है। भारत के पड़ोसी देश जो लोग हमारे पास पास पड़ोस में रहते हैं वे हमारे पड़ोसी होते हैं। इसी प्रकार हमारे देश की सीमा से जुड़े हुए देश हमारे पड़ोसी देश है। मानचित्र देखकर भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखे, हमने भी मानचित्र देखा ठीक है, तो ये आपको लिखना है कि कौन कौन से पड़ोसी देश थे और किस दिशा में स्थित है, पूर्व और पश्चिम में, तो ये आपको खुद से नक्शा देखकर करना, अभी मैंने आपको पूरा नक्शा दिखाया था। 7 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार की स्थलीय सीमाएं भारत की सीमाओं से जुड़ी हैं, जबकि श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों में सांस्कृतिक समानता है। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के सभी पड़ोसी देशों में है, जिनके प्रमाण इन देशों में मिलते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अविभाजित भारत के हिस्से रहे हैं। आइए भारत के पड़ोसी देशों को जानें। देश की राजधानी, यहाँ के प्रमुख नगर, भाषा, मुद्रा और उद्योग। अफगानिस्तान, यहाँ की राजधानी काबुल, प्रमुख नगर कंधार, भाषा पश्तो एवं दादरी, मुद्रा अफगान, उद्योग ऊन एवं कालीन। पाकिस्तान, राजधानी इस्लामाबाद, प्रमुख नगर कराची, भाषा उर्दू, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, चीनी सूत वस्त्र चमड़ा। चीन, इसकी राजधानी है बीजिंग, प्रमुख नगर शंघाई, भाषा मेंडारिन, मुद्रा युआन, उद्योग कपड़ा विद्युत सामग्री। नेपाल, राजधानी काठमांडू, प्रमुख नगर विराटनगर, भाषा नेपाली, मुद्रा नेपाली रुपया, उद्योग चीनी कागज कपड़ा। देश भूटान, राजधानी थिम्पू, प्रमुख नगर परो, भाषा भूटानी, मुद्रा गलत्रम, उद्योग पशुपालन बांस ऊन। बांग्लादेश, राजधानी ढाका, प्रमुख नगर चटगांव, भाषा बांग्ला, मुद्रा टका, उद्योग चमड़ा अखबारी कागज। म्यांमार, राजधानी नैपयीडा, प्रमुख नगर मांडले, भाषा बर्मीस, मुद्रा बर्मीस के आद, उद्योग कृषि सीमेंट लकड़ी। श्रीलंका, राजधानी कोलंबो, प्रमुख नगर कैंडी, भाषा सिंहली व तमिल, मुद्रा रुपया, उद्योग सूती कपड़ा ग्रेफाइट। मालदीव, राजधानी माले, प्रमुख नगर अड्डू सिटी, भाषा दिवेही, मुद्रा मालदीवी रुपया, उद्योग मछली पालन पर्यटन। अब यहाँ पर भारत का एक और नक्शा है, इसमें भारत के अलग अलग पार्ट दिखाए हैं कहाँ पर क्या है ठीक है। तो बीच से शुरू करते हैं, तो बीच में यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश ठीक है, मध्य प्रदेश है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर उड़ीसा है, तेलंगाना है, इधर महाराष्ट्र है, इधर गुजरात है, राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, इधर मेघालय है ठीक है, इधर असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है ठीक है। इधर नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, ऊपर की तरफ इधर ये हरियाणा है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हिमाचल है, लद्दाख है। तो इस तरह से इस नक्शे में भारत के अलग अलग पार्ट दिखाए गए हैं, इधर लद्दाख और इधर जम्मू कश्मीर ऊपर। जिस प्रकार आपका गांव, शहर विभिन्न मोहल्लों टोलों में बटा है, उसी प्रकार अपने देश भारत को भी प्रशासनिक दृष्टि से 28 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये है 28 राज्य, यहाँ की राजधानी, और ये यहाँ के क्षेत्र पर बताएं कि कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, और यहाँ की जनसंख्या कितनी करोड़ों में है। आपको ये सब नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं, पर आप इनको एक बार देख लीजिए कि भारत के जो 28 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, देखते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। अब इनकी राजधानी, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद,
त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। केंद्र शासित प्रदेश उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिनकी शासन व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है ये इधर देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीप, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनकी राजधानी क्या, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही, दादरा और नगर हवेली सिलवासा, दमन और दीप दमन, दिल्ली की दिल्ली, लक्षद्वीप कवारत्ती, पुडुचेरी पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर, लद्दाख लेह, ये इनका क्षेत्रफल है और यहाँ ये इनकी जनसंख्या है। तो हमारा पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे।